इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें ERPU सॉफ्टवेयर में कैसे एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है या न्यू ऑपरेटर क्रिएट करना है जिनको हम कोई पर्टिकुलर राइट्स दे सकें, पर्टिकुलर ऑप्शंस दे सकें जिसका वो यूज़ कर सकें। ठीक है, हम पूरे अगर राइट्स नहीं देना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर राइट्स ही देना चाहते हैं, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस देना चाहते हैं अगर यूज़र या ऑपरेटर को, तो उसकी क्या प्रोसेस है, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम लिमिटेड राइट्स असाइन कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमारे पास होम स्क्रीन ओपन है हमारी, अभी हमें सेटअप ऑप्शन में जाना होगा न्यू यूज़र को क्रिएट करने के लिए। ये हमने सेटअप ऑप्शन ओपन कर लिया है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है मैनेज, उसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटर, ऑपरेटर हमें क्लिक करना होता है ओपन करने के लिए। ये हमारा ऑपरेटर मास्टर का पेज ओपन हो गया है। राइट हैंड साइड पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टेबल अवेलेबल है जिसके अंदर जो हमारे ऑलरेडी ऑपरेटर्स बने हुए हैं, जो दो एडमिन्स बने हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, इनकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो भी हम ऑपरेटर्स क्रिएट करते हैं उस टेबल में हमें पूरी इनकी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे स्टेटस भी देखने को मिलता है हमें कि इनका स्टेटस अभी एक्टिव है या डीएक्टिव है। अगर हम डीएक्टिव करना चाहें तो डीएक्टिव भी कर सकते हैं। अभी हम डिटेल्स में ऑप्शंस को देखेंगे जो यहाँ पे हमें डिटेल्स शो हो रही हैं। ठीक है, पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस पेज का। तो राइट हैंड साइड पर जैसे कि हमने देखा कि हमें जो ऑपरेटर्स हम ऐड कर लेते हैं उसकी डिटेल हमें राइट हैंड साइड टेबल में मिलती है, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ऑपरेटर मास्टर होता है, यहाँ से हम एक न्यू ऑपरेटर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, विथ लिमिटेड राइट्स, किस तरह से हमें एक राइट देना है, क्या क्या राइट्स हमें नहीं देना है, उसके बेस पे कोई ऑपरेटर हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको भी देखेंगे डिटेल में, पहले हम जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनको थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं, उनको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो ऑलरेडी एडेड है ऑपरेटर्स, तो उनका नेम हमें यहाँ पे शो हो रहा है ऑपरेटर कॉलम में, हमने जो भी यूज़र नेम दिया हुआ है और जो भी पासवर्ड दिया हुआ है, जो भी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है वो हमारे इस कॉलम में शो हो रहा है पासवर्ड कॉलम में। अगर हम मोबाइल नंबर ऐड करते हैं तो मोबाइल नंबर के कॉलम में डिटेल्स हमारी शो होती हैं, अभी मोबाइल नंबर एडेड नहीं है पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक कॉलम ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का ऑप्शन है जिसमें ऐसे लिखा है, ये टाइप क्या होता है हम अभी आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट हमारा POS है, ये हमारा प्रिंटर है, एक्टिव प्रिंटर जो इनको असाइन है, इसलिए यहाँ पे इनका प्रिंटर की डिटेल्स शो हो रही है, थर्मल टू प्रिंटर इनको असाइन है और ये एक्टिव प्रिंटर है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है डेली क्रेडिट लिमिट, ऑपरेटर की एक डेली क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है, अभी हम इसके बारे में भी आगे देखेंगे, जिसके बेस पे वो उतनी लिमिट तक का क्रेडिट दे सकते हैं, डेली बेस पे सिर्फ उतनी लिमिट तक का क्रेडिट अपने कस्टमर को दे सकते हैं ड्यूरिंग सेल, उससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते, तो ये डेली क्रेडिट लिमिट है। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो शो हो रहा है वो हो रहा है बिल वाइज क्रेडिट लिमिट, यानी एक बिल में कितनी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट दे सकते हैं, राइट, यानी कितना क्रेडिट एक बिल में मैक्सिमम ये ऑपरेटर दे सकते हैं किसी भी कस्टमर को, तो उसकी भी एक लिमिट यहाँ पे हम सेट करते हैं, जो भी लिमिट रहती है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ पे शो होती है डिटेल्स उसकी। नेक्स्ट, जैसा कि हमने देखा कि स्टेटस है यहाँ पे, अभी इन दोनों ऑपरेटर्स का जो स्टेटस है वो एक्टिव है। ठीक है, अगर हम डीएक्टिव करते हैं तो स्टेटस में डीएक्टिव आ जाएगा, इसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन क्या होता है, अगर हम सिमिलर राइट्स के साथ जो हमने एक राइट एक ऑपरेटर को दिए हैं, अगर उसी राइट्स के साथ में दूसरा ऑपरेटर क्रिएट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते पर्टिकुलर हम राइट्स को सिलेक्ट करके ऑप्शन दें, ठीक है, हम तो डायरेक्टली कॉपी करना चाहते हैं जो राइट्स हमने एक एडमिन को या एक ऑपरेटर को दिए हुए हैं, दूसरा ऑपरेटर भी जो बना रहा है तो सेम राइट्स हम देना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हम कंडीशन रखना चाहते हैं, तो उसको हम कॉपी कर सकते हैं, इसको भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बटन यहाँ पे होता है एडिट का, हम पर्टिकुलर ऑपरेटर को अगर एडिट करना चाहते हैं, कोई राइट्स बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, यूज़र नेम चेंज करना चाहते हैं, प्रिंटर चेंज करना चाहते हैं, वो सब हम एडिट से करते हैं। ठीक है, तो हम इस एडिट ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं, पहले हम ये फर्स्ट वाला जो ऑपरेटर हमारा एडमिन है इनको हमने ओपन किया एडिट मोड में, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स शो रही हैं, इन डिटेल्स को देख लेते हैं। पहला यहाँ पे ऑपरेटर, ऑपरेटर मीन्स ऑपरेटर नेम या यूज़र नेम जिससे कि हम अपनी सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं। सेकेंड हमारा है पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड होता है जो हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल नंबर का कॉलम होता है, अगर हमें कोई मोबाइल नंबर ऐड करना होता है पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अभी हमने कोई नंबर ऐड नहीं किया इसलिए ये हमारा कॉलम ब्लैंक है। सो हम यहाँ पे एक रैंडम नंबर ऐड कर देते हैं, देखिए यहाँ पे कोई रैंडम मोबाइल नंबर डाल दिया है। नेक्स्ट हमारा टाइप, टाइप में हमने बाहर देखा था कि SA लिखा था कॉलम में, SA मीन्स होता है स्टोर एडमिन, इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे थ्री ऑप्शंस मिलते हैं, पहला होता है स्टोर एडमिन, दूसरा होता है फ्रेंचाइजी एडमिन और थर्ड होता है ऑप्शन ऑपरेटर का। सो अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह का ऑपरेटर क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम एडमिन क्रिएट कर रहे हैं या फ्रेंचाइजी एडमिन क्रिएट कर रहे हैं या ऑपरेटर क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, अगर हम कोई एडमिन सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो स्टोर एडमिन सेलेक्ट करें चाहे हम यहाँ पर फ्रेंचाइजी एडमिन सेलेक्ट करें, ठीक है,
उनके लिए जो राइट्स होते हैं, जैसे कोई सेल्स होती है हमारी, तो वो सारे जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनकी सेल वो देख पाते हैं अगर हम मल्टीपल ऑपरेटर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अगर हमने टाइप रखा हुआ है एडमिन, कोई भी हो, चाहे स्टोर एडमिन रखा हो चाहे फ्रेंचाइजी एडमिन रखा हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो सारे ऑपरेटर्स की सेल देख पाएंगे। यानी कि हमारे पास अगर 5 ऑपरेटर्स डिफरेंट क्रिएटेड हैं, ठीक है, तो अगर हमने इस टाइप अगर एडमिन रखा है, तो वो 5ों ऑपरेटर्स की सेल या परचेज जो भी उन्होंने करी है, ठीक है, उनके बेस पे वो देख पाएंगे। लेकिन अगर हम इसमें टाइप ऑपरेटर रखते हैं, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे टाइप को ऑपरेटर रखा, तो ऑपरेटर क्या होता है, वो अपनी ही सेल देख पाता है या अपनी ही परचेज देख पाता है, जो उन्होंने परचेज का बिल एंटर किया है या जो उन्होंने सेल करी है, तो वो सिर्फ अपनी ही रिपोर्ट चेक कर पाएगा, वो दूसरों की चेक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एडमिन को ये अथॉरिटी होती है, ये राइट होता है कि वो सभी की रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑपरेटर की, सारी ऑपरेटर्स की इनको रिपोर्ट शो होती है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे टाइप्स में, ठीक है। सो अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका जो हमारा एडमिन, हमारे यहाँ पे क्रिएटेड है ऑपरेटर एक एडमिन नाम से, इनको इनका जो टाइप है वो स्टोर एडमिन है, यानी इनको सारे राइट्स हैं कि ये किसी भी ऑपरेटर की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और हम नीचे देख लेते हैं क्या क्या उनको ऑप्शन हैं यहाँ पे। एक है हमारा यहाँ पे ऑप्शन POS, POS बेसिकली प्रिंटर होता है, पॉइंट ऑफ सेल प्रिंटर होता है ये हमारा। तो जो इनको प्रिंटर असाइंड है और जो एक्टिव प्रिंटर है वो इनको असाइंड है, तो ये इनको यहाँ पे शो हो रहा है, और यही बाहर इसकी भी डिटेल्स शो हो रही थी, है ना, जैसे कि हमने देखा। तो यहाँ पे इनको थर्मल टू असाइंड है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सेल एडिट का। सेल एडिट मीन्स सेल बिल एडिट, जो हमने सेल बिल बना दिया है ऑलरेडी, तो उसको बिल बनाने के बाद में हम अगर एडिट करना चाहते हैं उसमें, तो अगर ये राइट हम देना चाहते हैं तो अपने ऑपरेटर को दे सकते हैं। यहाँ पे अभी एडमिन है, तो एडमिन के पास ये राइट है कि वो जो सिर्फ एडमिन के पास ये राइट है कि वो सेल बिल जो बन चुका है ऑलरेडी उसको वो एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल बिल डिलीट ऑप्शन, ये भी राइट एडमिन के पास है कि अगर वो चाहें तो सेल का जो बिल बना दिया है उन्होंने तो वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल स्क्रीन प्राइस एडिट, यानी सेल स्क्रीन पर अगर हमारी जो प्राइस आ रही है, ठीक है, जो हमारी रेट आ रहा है, सेल प्राइस आ रही है हमारी, तो क्या हम उसको बदलने का राइट देना चाहते हैं कि जब हम सेल कर रहे हों तो अगर हम चाहें कि सेल स्क्रीन पे सेल प्राइस बदल दें, तो अगर ये राइट देना चाहते हैं तो हमें इसको टिक रखना होगा। एडमिन के पास ये राइट है, एडमिन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ये जो हमारे एडमिन क्रिएटेड है इनके पास ये राइट है, तो ये सेल स्क्रीन के ऊपर सेल प्राइस को बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर किसी किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ है तो इसको चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेल स्क्रीन डिस्काउंट एडिट। अब सेल स्क्रीन पे हमारे पास डिस्काउंट भी होता है, जो आइटम वाइज डिस्काउंट आता है हमारे पास, परसेंटेज में भी आता है और रुपीज़ में भी आता है, तो अगर उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो ये राइट भी एडमिन के पास है, उसको भी ये चेंज कर सकते हैं, राइट। यानी जो डिस्काउंट हमारा आइटम वाइज जा रहा है उसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं डिस्काउंट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे होता है सेल स्क्रीन परचेस प्राइस इन सर्च। हम जब कोई आइटम सर्च करते हैं, ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे इस ऑप्शन को। सो ये ऑप्शन क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। सो सेल स्क्रीन परचेस प्राइस इन सर्च का मीनिंग होता है कि हम अगर कोई सेल स्क्रीन पे आइटम सर्च करते हैं, अभी हम अपेंड नहीं करना है, हमने सिर्फ उसको सर्च किया आइटम नेम से, तो हमें सर्चिंग ग्रिड में जो है परचेस प्राइस भी दिख जाती है, विजिबल होती है। तो अगर ये राइट हम देना चाहते हैं, ठीक है, एडमिन को या किसी भी ऑपरेटर को, तो हम यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर क्लिक करके दे सकते हैं। अभी ये राइट एडमिन के पास नहीं है तो हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम ये राइट असाइन करते हैं, अभी हमने राइट दे दिया है सेल स्क्रीन प्राइस सर्च का एडमिन को। हम नीचे स्क्रॉल करके इसको सबमिट करते हैं, हमने कंफर्मेशन करके ओके किया, इसको डन कर दिया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन में अपनी सेल नेक्स्ट टैब में सेल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई आइटम को सर्च करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सर्चिंग ग्रिड में परचेस प्राइस आ रही है कि नहीं। यहाँ पे हमने कोई एक कोई भी आइटम यहाँ पे हमने सर्च कर लिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक PP नाम का कॉलम है। PP मीन्स है परचेस प्राइस, पहले ये कॉलम नहीं आता था जैसे कि हम देख चुके हैं। अभी यहाँ पे ये PP नाम का एक कॉलम जो है वो सर्चिंग ग्रिड में शो हो रहा है अभी, लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं कि कोई वैल्यू नहीं दिख रही है हमें, अभी कोई वैल्यू विजिबल नहीं है। इसकी वैल्यू कब विजिबल होती है, जब हम इस पर्टिकुलर कॉलम में अपना कर्सर लेके जाते हैं, माउस कर्सर, हम जैसे ही पॉइंटर अपने यहाँ पे रखते हैं तो हमें यहाँ पे उस आइटम की परचेस प्राइस भी विजिबल हो जाती है, और अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये परचेस प्राइस ऑटोमेटिकली अनविजिबल हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है, ये दिखना बंद हो जाती है, ठीक है। तो हमें जिस भी आइटम की यहाँ पे परचेस प्राइस को चेक करना है, ऐसे नॉर्मली वो नहीं दिखती है, हमें इस कॉलम के अंदर अपना कर्सर रखना होता है, जिसकी भी आइटम की हम देखना चाहते हैं पर्टिकुलर आइटम के कॉलम में हमें यहाँ पे कर्सर रखना होगा, जिससे कि उसकी परचेस प्राइस भी हमें विजिबल हो जाएगी, जिससे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सबकी परचेस, सारे आइटम्स पे हम अगर कर्सर रख रहे हैं परचेस प्राइस कॉलम में तो ये हमारी विजिबल हो रही है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने एडमिन को ये राइट दिया हुआ है।
अगर हम यहाँ से एडमिन के अंदर फिर से एडिट मोड में ओपन करके राइट को हटा देते हैं, हम उसको रिमूव कर देते हैं वापस से, सेल स्क्रीन परचेस प्राइस इन सर्च को हमने रिमूव करके नीचे हमने डिटेल सबमिट कर दी। डिटेल्स हमारी सबमिट हो गई, हम इस सेल स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करके फिर से चेक कर लेते हैं कि अभी परचेस प्राइस हमारी शो हो रही है कि नहीं। वापस से हमने कुछ आइटम्स यहाँ पे सर्च करें, अब हम देख सकते हैं सर्चिंग ग्रिड में से पीपी का या परचेस प्राइस का जो कॉलम है वो हट गया है, वो हाइड हो गया है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम परचेस प्राइस यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये था हमारा सेल स्क्रीन में परचेस प्राइस, अगर हम देखना चाहते हैं तो किस तरह से हम राइट दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है सेल रिपोर्ट डिस्पैच अपडेट। सो अभी न्यू रिलीज में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन भी अभी जो स्टॉक चेक डिलीट का है, ये भी अभी न्यू रिलीज में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, दोनों ऑप्शंस को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कॉम्बिनेशन डिलीट। ठीक है, कॉम्बिनेशन डिलीट में यहाँ पे अभी जो टिक है यानी कि ये राइट है एडमिन के पास कि वो कॉम्बिनेशन डिलीट कर सकते हैं, तो हम ये देख लेते हैं किस तरह से कॉम्बिनेशन डिलीट वर्क करता है। हम न्यू टैब में परचेज मैनेजमेंट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कॉम्बिनेशन एडिट का, हमें इसमें जाना होता है। हम कोई एक आइटम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, कोई भी हमने एक रैंडम आइटम यहाँ पे सर्च कर लिया है और हमने उस आइटम को क्लिक करके नीचे लिस्ट में अपेंड कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे एडमिन के पास यहाँ पे राइट है कि वो कॉम्बिनेशन को डिलीट कर सकते हैं। सो जैसे कि हम यहाँ पे आइटम के साथ में देख रहे हैं, हमारे पास एक डिलीट का कॉलम भी अवेलेबल है जिसमें एक ड्रॉप डाउन होता है जिसमें से हमें डिलीट सेलेक्ट करके सेव करना होता है, जिससे कि हमारा कॉम्बिनेशन डिलीट हो जाता है। ठीक है, हमारा कॉम्बिनेशन पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट एडमिन के पास है कि वो कोई कॉम्बिनेशन को परमानेंटली डिलीट कर दें। ठीक है, ये एंट्री फॉरएवर डिलीट हो जाएगी, कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर से हर जगह से डिलीट हो जाएगा। और अगर हम ये राइट नहीं देना चाहते हैं, अपने जो न्यू ऑपरेटर हम क्रिएट करें या हम अपना राइट हटाना चाहते हैं, यहाँ से हम डिलीट का ऑप्शन नहीं देखना चाहते हैं, वहाँ पे इसको हम अनटिक करेंगे, यहाँ से इस चेकबॉक्स को हम अनटिक करके इसको फिर से सबमिट करते हैं। अब हम एक बार फिर से कॉम्बिनेशन एडिट पर रिफ्लेक्शन देख लेते हैं इसका, ये कॉम्बिनेशन के पेज को, कॉम्बिनेशन एडिट के पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन एडिट का पेज है, हमने इसको ओपन कर लिया है, हमने सेम आइटम को फिर से अपेंड कर लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा डिलीट का कॉलम हाइड हो गया है, अब डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन था कि जिससे कि हम राइट दे सकते हैं अपने न्यू ऑपरेटर को क्रिएट करने के लिए, कि हम उनको कॉम्बिनेशन डिलीट करने का राइट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। ठीक है, तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। हम फिर से एडमिन को जो है एडिट मोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है लास्ट बिल प्रिंट के नाम से। ठीक है, लास्ट बिल प्रिंट, जैसे कि हम जानते हैं सेल स्क्रीन के ऊपर लास्ट इनवॉइस का ऑप्शन होता है, अगर हम ये इनेबल करना चाहते हैं, हमारे पास हम देखना चाहते हैं ऑप्शन लास्ट इनवॉइस का, तो हम ये राइट दे सकते हैं। अभी ये राइट हमारे पास असाइंड है। ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। हम न्यू टैब में सेल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं, ये हमारी सेल स्क्रीन ओपन हो गई है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे एक लास्ट इनवॉइस का ऑप्शन हमें अवेलेबल है। ठीक है, जिस पर हम क्लिक करके हमने जो भी लास्ट इनवॉइस बनाई है उसको हम प्रीव्यू उसका देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ से हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम अगर ये ऑप्शन देना चाहते हैं अपने ऑपरेटर को तो हम इस कॉलम को भी टिक करते हैं, अगर हम नहीं देना चाहते हैं तो इसको भी अनटिक करते हैं, तो ये आपका अवेलेबल नहीं होता है ऑप्शन सेल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अभी ये टिक है, इसलिए ये हमारे पास सेल स्क्रीन पर ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, लास्ट इनवॉइस का। नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं सेल सर्च आइटम का। सेल सर्च आइटम बेसिकली क्या है कि सेल स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक सर्च का ऑप्शन आ जाता है जिसमें हम सिंपली आइटम सर्च कर सकते हैं डिटेल्स देखने के लिए। सिर्फ इसमें इतना ही करते हैं कि हम आइटम को सर्च करते हैं उसकी डिटेल को चेक करने के लिए, डिटेल को देखने के लिए। ठीक है, तो अभी ये राइट भी नहीं है, इस राइट को भी हम एक बार रन करके देख लेते हैं। हमने असाइन कर दिया है एडमिन को, उसको हम सबमिट करते हैं डिटेल्स, ये अभी हमने राइट दे दिया है। अब हम वापस से सेल स्क्रीन पे जाते हैं, अभी हम देख रहे हैं हमारे पास कोई भी सर्च आइटम करने का ऑप्शन नहीं है सिंपली सर्च करने का। हम इस पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही हमने इस पेज को रिफ्रेश किया, हमारे पास यहाँ पे देखें सर्च आइटम नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, इसमें हम क्लिक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सर्च टैब है जिसमें हम आइटम के नाम से या बारकोड से सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोई भी आइटम सर्च कर लेते हैं, हमने यहाँ पर आइटम सर्च किया, इसके सामने एक ऑप्शन है हमारा इन स्टॉक का, अगर इसको हम टिक रखते हैं तो हमारे पास वही आइटम्स ओपन होते हैं जो स्टॉक में हैं अभी हमारे पास अवेलेबल या जिसकी क्वांटिटी है अभी। अगर हम इसको अनटिक करते हैं तो वो ऑप्शन भी हमारे अवेलेबल हो जाते हैं जो हमारे पास, या वो आइटम्स भी हमारे ओपन हो जाते हैं जो हमारे पास स्टॉक में नहीं है जिसकी क्वांटिटी जीरो है। तो ये बेसिकली सिर्फ आइटम को सर्च करने के लिए होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे आइटम की यहाँ पर लिस्ट है जिसमें हम बार कोड, आइटम नेम, क्वांटिटी, MRP और रेट चेक कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है, इसको क्लोज करते हैं। हम फिर से एडमिन को जो है एडिट मोड में ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस को चेक करने के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है सेल डंप रिवर्ट। ठीक है, सेल डंप रिवर्ट मीन्स कि अगर हमने कोई आइटम डंप कर दिया अपने सॉफ्टवेयर से, ठीक है, अगर हमने डंप ऑप्शन का यूज़ करके कोई आइटम को डंप किया है, कोई क्वांटिटी को डंप किया है, अगर हम उसको सेल स्क्रीन के ऊपर रिवर्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सेल स्क्रीन पे एक ऑप्शन अवेलेबल हो कि हम सेल करते टाइम उस आइटम को रिवर्ट करें, डंप से वापस सॉफ्टवेयर में लेके आएँ और उसको सेल कर सकें, तो अगर ये हम राइट देना चाहते हैं तो हम इसको टिक करते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं अपनी सेल स्क्रीन नॉर्मली, अभी हमने राइट नहीं दिया हुआ है, ये हमारी नॉर्मल सेल स्क्रीन है, इसमें अभी कहीं पर भी डंप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, डंप रिवर्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हम ये राइट असाइन करेंगे, हम वापस से एडमिन के एडिट में आ गए हैं, यहाँ पे हम ये राइट असाइन करते हैं और ये डिटेल्स को हम सबमिट करते हैं। हमने ओके किया, अब हम सेल स्क्रीन पे वापस जाते हैं और हम सेल स्क्रीन के पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ये हमारा सेल स्क्रीन का पेज रिफ्रेश हो गया है, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास डंप रिवर्ट का एक ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, पहले ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन अवेलेबल है ताकि हमने कोई अगर आइटम को डंप किया हुआ है हम तो वापस उसको रिवर्ट कर सकें। अब ये वर्क कैसे करता है इसको भी देख लेते हैं। हम अभी डंप रिवर्ट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, हमारे पास एक ये पॉपअप विंडो में डंप रिवर्ट का ऑप्शन ओपन हो गया है, रिवर्ट स्टॉक फ्रॉम डंप। ठीक है, अब हमें हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सर्चिंग बार होता है, तो हम यहाँ पे आइटम को सर्च कर सकते हैं जो भी हमने डंप किया है। हम चेक कर लेते हैं कोई आइटम डंप में है कि नहीं है। सबसे पहले अभी हमने चेक किया तो यहाँ पे कोई भी आइटम हमारे डंप में शो नहीं कर रहा, यानी अभी हमने कोई भी आइटम को सॉफ्टवेयर से डंप नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हम पहले एक आइटम को डंप करते हैं, फिर हम इसको रिवर्ट करके भी देखेंगे। डंप करने के लिए जैसे हम जानते हैं कि हमें स्टॉक मैनेजमेंट में जाना होता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है पुश स्टॉक टू डंप, जो ऑलरेडी ओपन है हमारा। हम यहाँ पे कोई एक आइटम ले लेते हैं टेस्ट नाम का, जैसे टेस्ट 5543 ये हमारा आइटम है जिसमें 252 क्वांटिटीज अवेलेबल हैं। ठीक है, हम इस आइटम को अपेंड करते हैं, 252 अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, हम इसमें से 52 क्वांटिटीज़ को डंप कर देते हैं। 52 क्वांटिटीज़ हमने डंप पीस में डाल के इसको सेव कर दिया और ओके कर दिया, ये हमारा एक आइटम डंप हो गया जिसके हमने 52 क्वांटिटीज़ को डंप कर दिया है। अब हम वापस से सेल स्क्रीन पे आते हैं, सेल स्क्रीन के ऊपर रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे हमने स्क्रीन रिफ्रेश कर दी है। अब हम डंप रिवर्ट पे जाते हैं, हम सर्च के अंदर अपना आइटम सर्च करते हैं, ये हमारा आइटम था टेस्ट 5543, अब हमें एक आइटम शो हो रहा है जो हमने डंप किया था, कितनी क्वांटिटी हमने डंप की थी 52 वो यहाँ पे शो हो रही है। हमें इसको रिवर्ट करने के लिए इस आइटम पे क्लिक करना होता है और ये पूरी क्वांटिटी फिलअप होकर आ गई है हमारे पास यहाँ पे 52, इसको हम सेव करते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अपनी जो डंप रिपोर्ट डंप का ऑप्शन है हमारा, डंप रिवर्ट का जो ऑप्शन है, हमने देखिए यहाँ पे आइटम को सर्च करा लेकिन अब हमारा कोई आइटम नहीं आ रहा, इट मीन्स कि अब कोई भी हमारा डंप में आइटम अवेलेबल नहीं है। अब हम सेल के ऊपर इसको सर्च करेंगे तो हमें पूरी क्वांटिटी यहाँ पे शो होगी, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा आइटम है टेस्ट 5543 जिसकी अब पूरी क्वांटिटी यहाँ पे शो हो रही है हमारी, यानी हमने जो भी डंप करी थी 52 क्वांटिटी अब वो वापस सॉफ्टवेयर में आ गई है, हमने डंप रिवर्ट का यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो ये राइट अगर हम देना चाहते हैं अपने ऑपरेटर को तो हम यहाँ से दे सकते हैं। वापस से हम एडिट ऑप्शन ओपन करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है परचेज डिलीट का, ये भी राइट दिया हुआ है एडमिन को। ठीक है, परचेज डिलीट मीन्स जो हमने परचेज के बिल एंटर किए हैं, ठीक है, उसको डिलीट करने का ऑप्शन हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। ठीक है, जो हमारा परचेज रिपोर्ट में आता है तो ये ऑप्शन अभी इनेबल है, हम चेक कर लेते हैं इसको परचेज रिपोर्ट में जाके, इसको रिपोर्ट्स के लिए हमें ओपन करना होगा, ये हमारी परचेज रिपोर्ट है, हम कोई भी बैक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और इसको हम व्यू करते हैं रिपोर्ट को बिल वाइज, ये हमारी बिल वाइज रिपोर्ट ओपन हो गई और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम डिलीट का ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं तो हम एडमिन के एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ से राइट को रिमूव कर देंगे, यानी इस बॉक्स को अनचेक कर देंगे, उसको डिटेल्स को सबमिट कर देंगे, हमने सबमिट कर दिया है। हम वापस से चेक कर लेते हैं एक बार अपने परचेज रिपोर्ट को, इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से डिलीट का ऑप्शन रिमूव हो गया है, यानी डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है एडमिन के पास में क्योंकि हमने वो राइट को रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन आप रखना चाहते हैं तो इस बॉक्स को भी आप टिक करेंगे, हम वापस एडिट मोड में एडमिन को ओपन कर लेते हैं। सो परचेज डिलीट का ऑप्शन है, इसको अगर हमने रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास से इस परचेज रिपोर्ट से डिलीट का ऑप्शन हाइड हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, जिससे कि हम परचेज का बिल डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है परचेज सेम डे एडिट। परचेज सेम डे एडिट का मीनिंग्स होता है कि हम अगर ये राइट को असाइन करते हैं, ठीक है, सो जो परचेज के बिल की हम एंट्री करते हैं वो हम सेम डे पे ही एडिट कर सकते हैं, नेक्स्ट डे एडिट नहीं होगी वो एंट्री। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर ये राइट देना अपने ऑपरेटर को कि जो हम परचेज के बिल की एंट्री करें, ठीक है, वो सिर्फ उसी दिन हम एडिट कर पाएँ, नेक्स्ट डे एडिट नहीं कर पाएँ, जिस दिन हमने परचेज डाली है उसी दिन हम एडिट कर पाएँ, नेक्स्ट डे एडिट ना हो वो बिल
तो हम इसको असाइन करेंगे, यानी इस बॉक्स को हम चेक करेंगे यानी टिक करेंगे, ठीक है। तो जाके हम जो भी परचेज का बिल एंटर करते हैं वो सिर्फ उसी दिन एडिट हो पाएगा, नेक्स्ट डे वो एडिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन का ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है सेल सर्चिंग रीड ओनली, ठीक है। सेल सर्चिंग रीड ओनली अभी यहाँ पे अनटिक है। हम पहले सेल स्क्रीन ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे वर्क करता है ये। ये हमने अपनी सेल स्क्रीन ओपन कर ली है। बेसिकली सेल स्क्रीन रीड ओनली हमारा इस कॉलम में वर्क करता है, जो हमारा सर्चिंग बार होता है इसमें वर्क करता है। अभी हम देख रहे हैं कि हमने इस कॉलम में क्लिक किया लेकिन, और हम यहाँ पे कोई आइटम भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी हम आइटम अगर टाइप करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है, या फिर हम आइटम को टाइप भी कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो भी हमारा आइटम है हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी ये ऑप्शन हमारा अनेबल है, यानी कि अनचेक है इसका बॉक्स। अगर हम इस बॉक्स को चेक करते हैं, ये आइटम देते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, हम इसको पहले डिटेल सबमिट करते हैं। अभी हमने इसको बॉक्स को टिक कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। हम सेल स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं, हमने सेल स्क्रीन रिफ्रेश कर ली है। उस राइट को देने से, यानी सेल स्क्रीन सर्च रीड ओनली को अगर राइट हम टिक करते हैं तो ये कॉलम हमारा लॉक हो जाता है। यहाँ पे हम अब कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं, ये हमारा कॉलम लॉक हो जाता है, सिर्फ बारकोड स्कैनिंग ही वर्क में रहता है, ठीक है। अगर हमने इसको रीड ओनली को टिक कर दिया तो सिर्फ बारकोड स्कैनिंग ही वर्क में रहेगा, ये कॉलम लॉक हो जाएगा, यहाँ पे आप कुछ टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आप कर्सर से क्लिक करेंगे या कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे, कोई आइटम नेम सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस राइट को टिक किया हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है सेल स्क्रीन रीड ओनली को, तो हमारा जो सर्चिंग का बार है वो रीड ओनली हो गया है, ठीक है। हम उस पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। हमें अगर वापस से इसको एक्टिव करना है, अनलॉक करना है, ताकि हम फिर से आइटम को सर्च कर सकें, राइट टाइप करके इस कॉलम को हम इस ऑप्शन को अनटिक करेंगे, यहाँ से इसको सबमिट करेंगे, वापस हम सेल स्क्रीन पे जाते हैं, सेल स्क्रीन हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं, हम वापस से देखिए सर्च कर पा रहे हैं, हमारा आइटम यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं जो भी हम आइटम का नेम या ब्रांड टाइप करना चाहते हैं, बारकोड टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। सो इस ऑप्शन का मीनिंग है हमारा सेल सर्च रीड ओनली का, कि हम अगर जो सर्चिंग बार है हमारा उसको अगर हम लॉक करना चाहते हैं, सिर्फ रीड ओनली पे रखना चाहते हैं, कि हम कुछ टाइप ना कर सकें, सिर्फ बारकोड स्कैनिंग से ही कर सकें, तो हम इस कॉलम को टिक करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि उसको भी यूज़ करें, हम उसमें आइटम का नेम टाइप करें, ब्रांड टाइप कर सकें, तो इस कॉलम को हम अनटिक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है पेमेंट ऑन डैशबोर्ड, ठीक है। पेमेंट ऑन डैशबोर्ड अभी यहाँ पे इनेबल है, ये राइट है अभी हमारे एडमिन के पास में। हम इस ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें होम स्क्रीन पे जाना होता है, यानी अपने डैशबोर्ड पे जाना होता है। हमने एक न्यू टैब में अपनी होम स्क्रीन ओपन कर ली है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारी जो पेमेंट ऑन डैशबोर्ड है वो अभी इनेबल है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो रहा है, जो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है या हमारी जो टोटल कैश सेल होती है पर डे की, जो आज की है, टुडेज़ की है ना, वो यहाँ पर शो होती है। इसी के साथ साथ जो हमारी क्रेडिट सेल होती है वो भी शो होती है। अभी हमने कोई बिल नहीं बनाया हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोई डिटेल्स शो नहीं हो रही है, लेकिन टोटल प्रॉफिट हमारा जीरो आ रहा है। एक ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है जिसमें वैल्यू जीरो आ रही है हमारी, क्योंकि हमने ये ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है। अगर हम ये पेमेंट ऑन डैशबोर्ड को डिसेबल कर देते हैं, यहाँ से हम इस राइट को हटा देते हैं, और अगर हम डिटेल्स सबमिट करते हैं तो हम देख लेते हैं इसका रिफ्लेक्शन क्या आता है हमारी होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अभी हमने राइट हटा दिया है, हम होम स्क्रीन पर जाके होम स्क्रीन को रिफ्रेश कर देते हैं। हमने रिफ्रेश कर दिया, हम जैसे कि देख पा रहे हैं अब यहाँ से हमारी पेमेंट ऑन डैशबोर्ड जो है वो हाइड हो गई है, यानी डैशबोर्ड से जो भी पेमेंट है हमारी, कैश सेल करी है हमने, क्रेडिट सेल करी है हमने, प्रॉफिट है हमारा, वो सब टोटली यहाँ से हाइड हो चुका है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को भी हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से, पेमेंट ऑन डैशबोर्ड को। अगर हम अपने ऑपरेटर को ये राइट देना चाहते हैं कि वो पेमेंट्स देख सकें होम स्क्रीन के ऊपर, तो हम इसको टिक करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि वो ना देख सकें तो हम इसको अनटिक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे होता है डे क्लोजिंग डेली कैश बुक। सो डे क्लोजिंग डेली कैश बुक हम आगे देखेंगे, अगली वीडियोस में देखेंगे, जब हम कैश बुक या डेली कैश बुक को जो है वो रिव्यू करेंगे, या उसके ऊपर जब वीडियो हमारी कंप्लीट होगी तो हम उसमें ये वाला ऑप्शन कवर करेंगे, डेली डे क्लोजिंग डेली कैश बुक को। तो अभी हम इस ऑप्शन को स्किप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है सेल टू टाइप। सेल टू मीन्स होता है यानी हम किस को सेल कर रहे हैं, राइट। हाँ, जैसे कि हमारे, हम जानते हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स होते हैं, एक नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं जिनका कोई जीएसटी नंबर नहीं होता, कैजुअल कस्टमर्स होते हैं, रेगुलर कस्टमर्स, दूसरे हमारे कस्टमर्स होते हैं जो हमारे जीएसटी रजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं, जिनके पास एक जीएसटी नंबर होता है, या जो बिज़नेस रन करते हैं। अगर कोई आपके ऐसे कस्टमर हैं जो खुद बिज़नेस रन कर रहे हैं तो ऐसी सेल को हम B2B बोलते हैं। अगर हम ऐसे कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं जो जिनका खुद का एक बिज़नेस है तो ऐसी सेल को हम जानते हैं कि हम B2B बोलते हैं। वो जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स होते हैं जो नॉर्मली एंड यूज़र्स कहलाते हैं, राइट। सो वो B2C सेल में आते हैं वो, यानी वो हमारी जो सेल होती है वो B2C कहलाती है,
सो सेल टू बेसिकली हमें बताता है कि हम किस टाइप की सेल कर रहे हैं। अगर हम वो हम ऑप्शन देखना चाहते हैं सेल स्क्रीन के ऊपर कि हम पर्टिकुलर बी टू सी को सेल कर रहे हैं या बी टू बी को सेल कर रहे हैं, तो हम इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। इस ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं अपनी सेल स्क्रीन पर जाके। यहाँ पर ये हमारी सेल स्क्रीन है, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कोई भी सेल टू का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। अभी हमें नहीं पता चल रहा कि हमारी सेल जो है हम बी टू बी को कर रहे हैं बी टू सी को कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। ये हमने इसको इनेबल कर दिया है सेल टू टाइप को। इसके बाद सेल टू टाइप को इनेबल करने के बाद नीचे हम देखेंगे शो सेल टू टाइप। यहाँ पे हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं, बी टू सी, बी टू बी एंड अदर कंट्री। तो इसमें से हम क्या क्या रखना चाहते हैं सेल टू टाइप में, हम क्या क्या रखना चाहते हैं। हम बी टू सी मीन्स यानी बिजनेस टू कस्टमर, जैसे कि मैंने बताया आपको, वो कस्टमर्स जो नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं, रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, एंड यूज़र्स होते हैं, राइट, तो वो बी टू सी हमारे सेल कहलाते हैं, है ना। बिजनेस टू कस्टमर सेल होती है वो हमारी, यानी सेल टू टाइप में बी टू सी कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं बी टू बी, यानी बिजनेस टू बिजनेस, ऐसे कस्टमर जो खुद का भी बिजनेस रन कर रहे हैं, हम उनको अगर सेल करते हैं तो वो बिजनेस टू बिजनेस सेल कहलाती है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे होता है अदर कंट्री का। अदर कंट्री मीन्स अगर हम अपनी कंट्री, जो भी हमारी सॉफ्टवेयर में कंट्री हमारी है जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अदर कंट्रीज़ में अगर हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अदर कंट्री का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम जो भी ऑप्शंस यहाँ पे चाहते हैं उनको हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने मल्टीपल को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हमने तीनों को सिलेक्ट कर लिया है, इसके साथ साथ हमने सेल टू ऑप्शन को भी यहाँ पे इनेबल किया हुआ है। तो हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं वापस से और हम ये डिटेल्स को सेव कर लेते हैं ताकि हम देखें सेल स्क्रीन पर क्या इसका रिफ्लेक्शन आता है। ये हमने सेव कर लिया है यहाँ पे। अब हम वापस से सेल स्क्रीन ओपन करते हैं हमारी, ये हमारी सेल स्क्रीन है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश कर ली है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सेल टू का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। उसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में तीनों ऑप्शंस भी आ गए, बी टू सी भी आ गया, बी टू बी भी आ गया, अदर कंट्री भी आ गया है। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट में बी टू सी सिलेक्टेड है, यानी हमारे नॉर्मल कस्टमर्स जो एंड यूज़र्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे अदर बी टू बी सेल करना चाहते हैं तो हम इसको बी टू बी सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम बी टू बी सिलेक्ट करते हैं तो कस्टमर्स की कुछ डिटेल्स चेंज हो जाती हैं, जैसे कंपनी का नेम ऐड हो जाता है यहाँ पे और जी एस टी नंबर आ जाता है, राइट, इसका ऑप्शन आ जाता है हमारे पास में अगर हम डालना चाहते हैं तो। अगर हम बी टू सी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होते हैं, डायरेक्ट कस्टमर नेम एंड मोबाइल नंबर स्टेट होती है हमारे पास, और एक अदर कंट्री का ऑप्शन होता है। इनकेस अगर आप अदर कंट्री में सेल कर रहे हैं तो आप अदर कंट्री यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे सेल टू के अंदर, आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको भी इनेबल कर सकते हैं। हम वापस से एडमिन के एडिट मोड में आ जाते हैं। तो हमने सेल टू भी यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कस्टमर प्रीवियस ड्यू अमाउंट ऑन सेल। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं सो हमें कस्टमर की जो प्रीवियस ड्यू अमाउंट है, अगर हमने उनको कोई क्रेडिट में सेल करी है, उधार में अगर हमने उनको पहले सेल करी है, तो उसका अमाउंट हमें शो होता है हमारी सेल स्क्रीन के ऊपर। सो अगर हम देखना चाहते हैं कस्टमर का जो पहला का ड्यू अमाउंट है, ठीक है, उसका अगर हम देखना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन डिसेबल है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। इस ऑप्शन को हम सेल स्क्रीन को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी कस्टमर का अगर हम नेम भी डालते हैं तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर हमें पता चल सके कि किस कस्टमर की कितनी ड्यू है ना, पहले का कितना ड्यू अमाउंट है उनके ऊपर, हमने कितनी उनको उधार में सेल करी हुई है आज तक। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है। पहले हम इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे यहाँ से। हमने इनेबल कर लिया है, हमने इसको सबमिट करा डिटेल्स को, ओके कर दिया। अब हम वापस से सेल स्क्रीन पर जा रहे हैं यहाँ पर। अब हम सेल स्क्रीन को रिफ्रेश कर देते हैं। ये हमने सेल स्क्रीन को रिफ्रेश कर दिया है। अब जैसे ही हमने सेल स्क्रीन को रिफ्रेश किया, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल हो गया है, कस्टमर प्रीवियस ड्यू अमाउंट और यहाँ पे रुपीज़। ठीक है, यानी हम जिस भी कस्टमर की यहाँ पे डिटेल डालेंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा अगर हमने उनको कोई क्रेडिट पे सेल करी है, उन पे कोई उधार का अमाउंट बचा हुआ है ना, उन पे कोई ड्यू अगर बची हुई है तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कोई इस टाइप के कस्टमर है हमारे पास। यहाँ पे देखिए अभी इनका कोई ऐसी डिटेल नहीं है जो हमने कस्टमर सेलेक्ट किया है, कोई हमें कस्टमर चेंज करके चेक कर लेते हैं यहाँ पर। इनका भी कोई ड्यू अमाउंट नहीं है हमारे पास। हम एक बार वो ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, कोई टेस्ट कस्टमर ले लेते हैं। अभी हमने जो कस्टमर्स यहाँ पे चेक किए तो किसी का भी हमारे पास ड्यू अमाउंट नहीं है, सब में यहाँ पे जो उनका प्रीवियस ड्यू अमाउंट है वो ज़ीरो है, यानी सबका क्लोजिंग बैलेंस ज़ीरो है। ठीक है, यानी हमने कोई भी अगर क्रेडिट में सेल करी भी होगी तो हमने वो सब क्लियर कर दी, वो सारी पेमेंट हमने ले ली, इसलिए यहाँ पे ये सब ज़ीरो शो हो रहा है। इसी के साथ साथ एक हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास कस्टमर का यहाँ लेजर ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ से पर्टिकुलर कस्टमर का लेजर चेक कर सकते हैं, जो भी हमने उनको सेल करी है, क्रेडिट अगर हमने क्रेडिट में सेल करी है, क्रेडिट से हमने वापस पैसे लिए हैं, पेमेंट ली है, ठीक है, क्रेडिट नोट अगर हमने दिया है, तो पूरी डिटेल हमें इस लेजर में देखने को मिलती है, जिसको हम यहाँ पर टैली कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हिस्ट्री के बटन पर क्लिक करने से हमारी यहाँ पर
जो कस्टमर का लेजर है, पर्टिकुलर कस्टमर जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, उनका लेजर ओपन हो जाता है, ठीक है। और इस कॉलम में हमें ऑटोमेटिकली वो अमाउंट शो होती है जो उनको क्रेडिट में हमने सेल करी हुई है, ठीक है। सो अभी हमारी कोई क्रेडिट में सेल नहीं थी इसलिए, या कोई ड्यू अमाउंट नहीं बचा था इसलिए कोई वैल्यूज उसमें शो नहीं हो रही थी। हम वापस से एडमिन को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे एडिट मोड में, ताकि हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ऑपरेटर टुडे क्रेडिट सेल ऑन सेल, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, अगर हम इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, अभी हमारा ऑप्शन डिसेबल है, पहले हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या वर्क करता है। हमारी ये सेल स्क्रीन है, सेल स्क्रीन को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, जिससे हमें पता चल सके कि ऑपरेटर ने, जो भी हमारा ऑपरेटर है, जो हम ऑपरेटर क्रिएट करते हैं, यूज़र हमारा क्रिएट करते हैं, उन्होंने कितनी क्रेडिट में सेल करी है पर डे की, यानी टुडेज़ की हमें कहीं पता नहीं चल रहा है अभी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वो ऑप्शन डिसेबल है। अभी हम इसको इनेबल करते हैं, सबसे पहले ऑपरेटर टुडेज क्रेडिट इसको हम जाके इनेबल करते हैं और इसको हम सबमिट करते हैं। ये हमने ऑप्शन इनेबल कर दिया है। अब हम वापस से सेल स्क्रीन पे आते हैं, उसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं सेल स्क्रीन को। ये हमने सेल स्क्रीन रिफ्रेश कर ली है। अब हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड में बॉटम में हमारे पास ऑपरेटर टुडे क्रेडिट सेल का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, यानी जो भी ऑपरेटर से हम लॉग इन है, अभी हम एडमिन से लॉग इन है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है अगर हम कोई सेल करते हैं क्रेडिट में, तो हमें टुडेज़ की, मतलब आज की हमें क्रेडिट की सेल पता चलती है कि हमने टोटल आज कितनी क्रेडिट सेल करी है, या अभी तक कितनी क्रेडिट सेल करी है आज, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पता चलती है। तो अभी हम एक सेल करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक यहाँ कस्टमर ले लेते हैं कोई भी रैंडम, हमने कोई कस्टमर ले लिया यहाँ पे, एक हम आइटम ले लेते हैं यहाँ पे, एक हमने आइटम सेल लिस्ट में डाल दिया है, और हमने सेल का मोड जो है क्रेडिट सेल में करेंगे, हमने क्रेडिट सेल में कर लिया है। अमाउंट हमारा 190 का है, जो टोटल क्रेडिट में हमारा बिल बन रहा है, उसको हम सेव एंड प्रिंट करते हैं। सेलेक्ट सेल्समैन, हम सेल्समैन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे बिल सेव कर देते हैं हमारा, ये हमारा एक बिल बन गया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी टुडेज क्रेडिट सेल, यानी हमने कितनी आज उधार में सेल करी है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी आज हमने अभी तक 190 रुपीज़ की सेल करी है। तो हमें यहाँ पे टुडेज की बताता है, सिर्फ आज ही की बताता है कि आज हमने कितनी क्रेडिट सेल करी है, एक वैल्यू यहाँ पे बस शो होती है हमें, ठीक है। अगर हम इस ऑप्शन को इनेबल रखते हैं तो हम वापस से एडमिन को एडिट मोड में ओपन कर लेते हैं। तो ये था हमारा ऑपरेटर टुडे क्रेडिट सेल ऑन बिल, ठीक है, यानी सेल हमने कितनी करी हुई है उधार के अंदर, वो हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी, शो सेल टू टाइप, यानी सेल टू टाइप B2C है, B2B है, या अदर कंट्री किस टाइप की सेल हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है डेली क्रेडिट लिमिट का। डेली क्रेडिट लिमिट मीन्स कि हमारी एक दिन में हम टोटल मैक्सिमम कितना क्रेडिट दे सकते हैं अपने कस्टमर को, या उधार दे सकते हैं, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो एक मैक्सिमम क्रेडिट हम पर डे का दे सकते हैं, यानी डेली का, पर डे का, है ना। हम जो भी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अगर हम 1000 डाल दी एक वैल्यू, उसको सेव करा, तो हम पर डे से 1000 का ही क्रेडिट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा का हम क्रेडिट नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पर डे की एक क्रेडिट वैल्यू को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ होता है बिल वाइज क्रेडिट लिमिट का। तो बिल वाइज क्रेडिट लिमिट में भी हम एक वैल्यू डाल सकते हैं, ये हमारी एक बिल की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि एक बिल में मैक्सिमम कितना क्रेडिट हम दे सकते हैं। दोनों अलग चीज़ें हैं ना, दोनों ऑप्शंस अलग हैं हमारे। बिल वाइज क्रेडिट का मतलब है कि एक बिल में मैक्सिमम कितना क्रेडिट जा सकता है, ठीक है। तो अगर एक बिल की हम यहाँ पे लिमिट सेट करते हैं 10,000, तो एक बिल में हम मैक्सिमम 10,000 तक का ही क्रेडिट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते। और डे क्रेडिट लिमिट का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे तो टोटल डे की एक क्रेडिट लिमिट या उधार की लिमिट हो जाएगी, कि इससे ज़्यादा हम उधार नहीं दे सकते एक दिन में। अगर इस टाइप की लिमिट कोई अपने ऑपरेटर के लिए सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सेल स्क्रीन का। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, रिटर्न एंड क्रेडिट नोट है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं हमारी सेल स्क्रीन के ऊपर। हमारा सेल स्क्रीन है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास कैश सेल भी अवेलेबल है, क्रेडिट सेल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और रिटर्न का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर हम चाहते हैं इसमें से कोई ऑप्शन को रिमूव करना, राइट, कि हम नहीं चाहते अपने ऑपरेटर को क्रेडिट सेल का ऑप्शन देना, तो हम अगर इस ऑप्शन क्रेडिट सेल के ऑप्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जो हमें रखना है सिर्फ उनको हम सेलेक्ट करेंगे, और जो हमें नहीं रखना है उसको हम डीसेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे दो ऑप्शन सेलेक्ट करें, कैश सेल एंड रिटर्न इशू क्रेडिट नोट। क्रेडिट सेल हमने रिमूव कर दिया है यहाँ से, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट नहीं करा है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन क्या है सेल स्क्रीन पे। हमने डिटेल्स को सेव किया, यहाँ से ओके किया इनको, वापस से हम सेल स्क्रीन पे आके सेल स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास से क्रेडिट सेल का ऑप्शन रिमूव हो चुका है, ठीक है। हमने क्योंकि क्रेडिट सेल का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करा है, हमने सिर्फ कैश सेल और रिटर्न को ही सिलेक्ट करा था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट सेल शो नहीं हो रहा है ऑप्शन, ताकि हम हमारा जो अगर हम ऑपरेटर को नहीं देना चाहते कि उधार में कोई सेल करे, तो हम यहाँ पे वो राइट नहीं देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। हम वापस से एडमिन को एडिट मोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्रेडिट सेल भी सिलेक्ट कर लेते हैं वापस से। तीनों हमारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, इसको सबमिट कर लेते हैं डिटेल्स को। एक बार हम फिर से सेल स्क्रीन चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके अपनी। अब हमारे पास यहाँ पे फिर से क्रेडिट सेल का ऑप्शन इनेबल हो गया है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अगर ऑपरेटर को चाहें तो क्रेडिट सेल का ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन, कैश सेल है, रिटर्न इशू, क्रेडिट नोट है, जो भी ऑप्शन नहीं देना चाहते या तीनों देना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम वापस से एडमिन को ओपन कर लेते हैं एडिट मोड में। नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस, ठीक है। जैसे कि होम, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा होम स्क्रीन। हमने होम स्क्रीन का, हमें अगर होम स्क्रीन देना है कि हमारा, हम जो भी यूज़र या ऑपरेटर क्रिएट कर रहे हैं उनको होम स्क्रीन विजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो अगर हम इस राइट को टिक करते हैं तो उनको होम स्क्रीन विजिबल होगी, अगर हम इस राइट को नहीं देते तो उनको होम स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है सेटअप ऑप्शन, राइट। अगर हम सेटअप का ऑप्शन नहीं देना चाहते, जिसमें सारे ऑप्शन आते हैं हमारे, है ना, हमारा जो मास्टर सेटअप होता है, परचेज सेटिंग्स होती हैं, सो अगर हम यहाँ से सेटअप का ऑप्शन रिमूव कर देंगे तो जो भी हम ऑपरेटर या यूज़र क्रिएट करते हैं उनके पास सेटअप का ऑप्शन नहीं जाएगा, राइट। उनके स्क्रीन के ऊपर सेटअप का ऑप्शन विजिबल नहीं होगा। इसी तरह से हम अभी यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे स्कीम एंड डिस्काउंट का ऑप्शन है हमारा, हम स्कीम एंड डिस्काउंट का अगर ऑप्शन देना चाहते हैं अपने यूज़र या ऑपरेटर को तो हम इसको टिक करेंगे, अगर नहीं देना चाहते हैं तो उसको अनटिक करेंगे। हम इसमें से रन करके देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस को। जैसे अभी हम एडमिन से लॉगिन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एडमिन से हम लॉगिन है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे से स्कीम एंड डिस्काउंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी हमें शो हो रहा है। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा स्कीम डिस्काउंट ओपन हो जाता है, ठीक है, हमारा स्कीम एंड डिस्काउंट ओपन हो गया। अगर हम स्कीम एंड डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं अपने ऑपरेटर को, जो हम ऑपरेटर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इस कॉलम को अनटिक करेंगे। तो हम इसको चेक कर लेते हैं इस ऑप्शन को, हमने अनटिक कर दिया स्कीम एंड डिस्काउंट और इस डिटेल को सबमिट कर दिया है, यानी हम ये राइट नहीं देना चाहते। जैसे ही हमने सबमिट करा, आप देख सकते हैं हमारे पास से स्कीम एंड डिस्काउंट का ऑप्शन यहाँ से हाइड हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास स्कीम एंड डिस्काउंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम और भी ऑप्शंस हमारे पास जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे परचेज मैनेजमेंट है, सेल है, स्टॉक मैनेजमेंट है, कस्टमर है, स्टोर रिपोर्ट है, तो जो भी ऑप्शंस हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते तो हम उसको यहाँ से पर्टिकुलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम परचेज मैनेजमेंट नहीं देना चाहते हैं तो हम परचेज मैनेजमेंट को रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो हमारा परचेस का कोई भी ऑप्शन हमारे स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं होगा, परचेस मैनेजमेंट का ऑप्शन हमारे स्क्रीन से हाइड हो जाएगा, ठीक है। हम इसको भी करके देख लेते हैं, हम अगर परचेस मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं देना चाहते किसी अपने यूज़र को, हमने इसको अनटिक कर दिया यहाँ से, तो हमारे सारे राइट्स चले गए यहाँ से, हाइड हो गया ये। इसको हम सबमिट करते हैं डिटेल्स को, ओके करते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास परचेस मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सेल का ऑप्शन अवेलेबल है, सेटअप है, होम है, सेटअप है, सेल है, स्टॉक मैनेजमेंट है, लेकिन परचेस का ऑप्शन हमारे पास हाइड हो गया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर यूज़र को आप नहीं देना चाहते हैं कोई परचेस का राइट, तो आप इस तरह से इसको भी डिसलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको वापस से सेलेक्ट करके सबमिट कर लेते हैं, ओके किया, वापस से हमारे पास ये राइट आ गया है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन को, ठीक है। इसको हम फिर से एडिट मोड में ओपन करते हैं, ठीक है। अभी हमारा परचेज मैनेजमेंट, जैसे कि हमने देखा कि हम अगर इसको मेन ऑप्शन से अगर इसको अनटिक करते हैं, मेन ऑप्शन से डिसलेक्ट करते हैं, इसको हटाते हैं, तो हमारे सारे ऑप्शन रिमूव हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम परचेज मैनेजमेंट देना ज़रूर चाहते हैं लेकिन उसमें सारे ऑप्शन नहीं देना चाहते, राइट। हम कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही देना चाहते हैं, जैसे कि हम नहीं चाहते कि हमारे यूज़र के पास कॉम्बिनेशन एडिट का ऑप्शन रहे, कॉम्बिनेशन एडिट करने का ऑप्शन हम नहीं देना चाहते, लेकिन परचेज मैनेजमेंट हम देना चाहते हैं कि वो परचेज की एंट्री कर सके, बट उनके पास कॉम्बिनेशन एडिट का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो इस ऑप्शन को हम पर्टिकुलर अनटिक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये ऑप्शन उनके पास ना जाए। परचेज मैनेजमेंट ज़रूर रहेगा बट ये कॉम्बिनेशन एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा उनके पास, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ से सिर्फ कॉम्बिनेशन एडिट को हटाया हुआ है, इसको हमने डिटेल को सबमिट किया, हमें डिटेल सबमिट हो गई हैं। अब हम परचेज मैनेजमेंट के पेज पर जाते हैं, न्यू टैब में हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब न्यू टैब में हम जैसे देख रहे हैं परचेज मैनेजमेंट के पेज पे, हमारे पास से यहाँ से कॉम्बिनेशन एडिट का ऑप्शन हाइड हो गया है, यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन एडिट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर हम वापस से राइट देना चाहते हैं, ठीक है, अगर इस राइट को हम देना चाहते हैं, हम एडिट में ओपन करें करके पर्टिकुलर को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी अब हम इसको अगर इनेबल करते हैं यहाँ से कॉम्बिनेशन एडिट को, ये हमने राइट दे दिया है, सबमिट करा, ओके करा, डिटेल्स हमारी सेव हो गई हैं। हम परचेज स्क्रीन पर जाके परचेज स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेते हैं, ये हमारा परचेज मैनेजमेंट जो है रिफ्रेश हो गया और हमारे पास यहाँ कॉम्बिनेशन का एडिट का ऑप्शन भी इनेबल हो गया। अब हम यहाँ से कॉम्बिनेशन एडिट पे जाके इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर मेन मेन्यू को भी बंद कर सकते हैं, हमारे पास राइट होता है मेन मेन्यू का, राइट अगर नहीं देना चाहते तो मेन मेन्यू को भी बंद कर सकते हैं यहाँ से, और अगर हम उसके सब मेन्यूज़ हैं या कुछ ऑप्शन उसमें से पर्टिकुलर बंद करना चाहते हैं तो उसको भी हम बंद कर सकते हैं,
ठीक है। इसी तरह अदर ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ये सिमिलरली फॉर्म में वर्क करते हैं हमारे। हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक एक ऑप्शंस को, क्योंकि हम क्या राइट्स देना चाहते हैं क्या राइट्स नहीं देना चाहते हैं उनको हम पर्टिकुलरली टिक कर सकते हैं अगर हम देना चाहते हैं तो, और अगर हम इसको अनटिक करते हैं या बॉक्स को हम अनचेक करते हैं तो वो राइट ऑपरेटर से रिमूव हो जाता है। इसके बाद हमें डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन होता है, जैसे कि हमने देखा था टेबल में हमारी जो स्टेटस आ रहा है वो एक्टिव आ रहा है, यानी अभी ये यूज़र एक्टिव है अपना यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनको डीएक्टिव करना चाहते हैं तो स्टेटस को हमें डीएक्टिव सेलेक्ट करके सबमिट करना होगा, तो ये हमारे पर्टिकुलर यूज़र जो है वो डीएक्टिव हो जाएंगे, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी ऑपरेटर को का यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, उनको लिमिटेड राइट या ऑप्शंस दे सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस से अपनी स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आते हैं हम ऑपरेटर मास्टर के अंदर। तो हमने यहाँ पे सारे ऑप्शंस चेक किए कि हमें किस तरह से एडिट का ऑप्शन यूज़ करना करके लिमिटेड राइट्स देने थे। अब हम कॉपी का ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। कॉपी के ऑप्शन से क्या होता है, अगर हम कोई भी ऑपरेटर सेम ऑपरेटर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे दो ऑपरेटर्स क्रिएटेड है, कि एडमिन क्रिएटेड है और एक एडमिन टू क्रिएटेड है, अगर हम थर्ड ऑपरेटर क्रिएट करना चाहते हैं और जो राइट्स किसी एक ऑपरेटर को मिले हैं वही राइट्स हम नए ऑपरेटर को भी देना चाहते हैं जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम सिंपली इसको कॉपी मोड में ओपन कर लेते हैं। जैसे हमको कॉपी मोड में ओपन करते हैं, यहाँ पे राइट्स ऑलरेडी टिक रहते हैं वही के वही जो हमने एक को दिए हुए हैं, और इसके बाद हम डायरेक्टली सबमिट करेंगे तो हमारे पास एक न्यू ऑपरेटर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक एडमिन टू क्रिएट कर लेते हैं, एडमिन वन हम एडमिन टू ऑलरेडी क्रिएटेड, एडमिन थ्री हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे इनका पासवर्ड भी एडमिन थ्री कर देते हैं, एडमिन थ्री कर दिया हमने पासवर्ड, राइट्स हमारे बिल्कुल सेम है, हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं करा, हमने इसको सबमिट कर दिया है, ओके करा हमने। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एडमिन थ्री भी क्रिएट हो चुका है, इनका पासवर्ड एडमिन थ्री है और इनके पास भी सिमिलर राइट्स हैं जो हमारे एडमिन वन के पास हैं, क्योंकि हमने एडमिन वन को कॉपी करके ही न्यू यूज़र क्रिएट किया है, तो हमें फिर से राइट सेलेक्ट नहीं करने पड़े, डायरेक्टली हमने जो हमारा एक ऑपरेटर था इनको हमने पूरा कॉपी करके नया ऑपरेटर क्रिएट कर लिया है, तो काफ़ी ईजी वे। और हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मैनुअल डिटेल्स पूरी फिलअप करना पड़ती हैं, यहाँ से तो हमने डायरेक्टली कॉपी कर लिया है, अब हमें न्यू ऑपरेटर अगर बनाना है मैनुअली पूरी फील्ड को फिलअप करके, तो हम यहाँ से बनाते हैं ऑपरेटर मास्टर से, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल है। यहाँ पे हम कोई भी एक्स वाई जेड अपने ऑपरेटर का नेम दे सकते हैं, जिनसे जो उनका यूज़र नेम होगा जिससे वो लॉगिन करेंगे, इसके बाद हम इनको पासवर्ड दे सकते हैं, जो भी हम पासवर्ड देना चाहें, नंबर्स में देना चाहें, अल्फ़ाबेट्स में देना चाहें हम दे सकते हैं, मोबाइल नंबर अगर आप इनका एंटर करना चाहते हैं मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर इनका टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एडमिन बनाना चाहते हैं इनको या स्टोर एडमिन बनाना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी एडमिन बनाना चाहते हैं या ऑपरेटर बनाना चाहते हैं, इसका हम डिफरेंस जानते हैं कि क्या डिफरेंस है हमारा। ऑपरेटर्स जो है वो सिर्फ अपनी ही रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जो आप ऑपरेटर बना रहे हैं यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड ऑपरेटर हैं तो ये सब अपनी ही रिपोर्ट चेक कर पाएंगे, चाहे वो परचेज हो चाहे सेल्स हो, बट अगर एडमिन है तो वो सबकी रिपोर्ट सारे ऑपरेटर्स की चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ POS यहाँ पे हमारा प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है, जिस प्रिंटर को सेलेक्ट करके वो लॉगिन करते हैं, नीचे हमारे वही सेम ऑप्शंस हैं, सेल एडिट, सेल बिल डिलीट, जो भी आप ऑप्शंस देना चाहते हैं यहाँ से आप ऑप्शंस टिक कर सकते हैं, जो नहीं देना चाहते हैं उसको अनटिक कर सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे हमारे पूरे ऑप्शंस आते हैं मेन्यू के, जो हमारा ब्लैक रिबन है उसके मेन्यू के ऑप्शन से, जैसे होम, सेटअप, जो भी आप ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं उनको अनटिक करिए, ठीक है, और जो ऑप्शन देना चाहते हैं उनको आप टिक करिए, सेलेक्ट करिए और डिटेल्स को सबमिट कर दीजिए, तो इस तरह से हमारे एक न्यू ऑपरेटर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने कवर किया कि हमें किस तरह से ERFOU सॉफ्टवेयर में अपने एक न्यू यूज़र को क्रिएट करना है, या न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं या न्यू ऑपरेटर क्रिएट कर सकते हैं जिनके पास लिमिटेड राइट्स हों। ठीक है, हम जो भी राइट्स देना चाहते हैं तो हम एक न्यू यूज़र क्रिएट करते टाइम उनको दे सकते हैं, बाद में एडिट भी कर सकते हैं अगर बाद में हम देना चाहें कोई राइट, या बाद में कोई राइट हटाना चाहें तो हमारे पास एडिट का ऑप्शन होता है जिससे कि हम वो राइट हटा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिटेल एक न्यू ऑपरेटर को क्रिएट करने के लिए कवर की। एक ऑप्शन हमारे पास और होता है यहाँ पे, अगर हम कोई न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं यहाँ पे, अभी जैसे हमने यहाँ पे एक एडमिन क्रिएट किए थे, इनका टाइम हमने रखा था SA यानी स्टोर एडमिन, अभी हम इनको एक ऑपरेटर क्रिएट कर बना लेते हैं, यहाँ पे हमने इनको ऑपरेटर बना लिया है। ठीक है, अभी इसका हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, ये हमने डिटेल सबमिट की, अब हमारा इनका जो टाइप हो गया है वो ऑपरेटर हो गया, यानी टाइप हो गया है S, स्टोर ऑपरेटर। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारी परचेज स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब परचेज स्क्रीन पे हम यहाँ सेटअप में जाते हैं, पहले तो सेटअप में हमारा मास्टर सेटअप, परचेज सेटिंग्स, परचेज सेटिंग्स में हमारे पास एक ऑप्शन होता है शो परचेज प्राइस एंड मार्जिन फॉर ऑपरेटर। ठीक है, शो परचेज प्राइस एंड मार्जिन फॉर ऑपरेटर, अभी हम क्या करेंगे, हम अपने एडमिन थ्री से लॉग इन करेंगे क्योंकि वो हमारे ऑपरेटर हैं, राइट। सो जब हम ऑपरेटर से लॉगिन करते हैं और हमारे पास ये ऑप्शन अनटिक होता है यानी सेलेक्ट नहीं होता सेटिंग से, इट मींस के
परचेज स्क्रीन पे उनको परचेज प्राइस का ऑप्शन नहीं दिखता है, या मार्जिन अगर ऑन होती है तो मार्जिन नहीं दिखती है। तो अभी हमें ऑप्शन को रन करके देखते हैं कि किस तरह से ये रन करता है। हम पहले मार्जिन भी इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अभी सेटिंग्स को चेंज कर लिया है, यहाँ पे मार्जिन इनेबल किया अभी हमने सिर्फ। अभी हम एडमिन से लॉगिन है, हमें ध्यान रखना है हम अभी लॉगिन है एडमिन से। हम वापस से अपनी परचेज स्क्रीन पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखिए मार्जिन का ऑप्शन भी इनेबल है, राइट। अब हम एडमिन को लॉग आउट करके अपने ऑपरेटर से लॉगिन करेंगे। जो हमने एडमिन 3 नाम से एक ऑपरेटर क्रिएट किया था, हम उनसे लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है। न्यू प्राइवेट विंडो में ओपन कर लेते हैं। ये हमने लॉग आउट कर दिया है, हम एडमिन 3 से लॉगिन कर लेते हैं। हमने प्रिंटर रॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ है, फिर से लॉगिन कर लेते हैं। ये हमने अब एडमिन 3 से लॉगिन कर लिया है सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इनके पास लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम परचेज मैनेजमेंट पे जाते हैं उस ऑप्शन को चेक करने के लिए। अब हम परचेज मैनेजमेंट के न्यू परचेज पे जैसे ही आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मार्जिन का कॉलम भी अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन इनेबल है बट मार्जिन यहाँ पे शो नहीं हो रही है हमें कितनी मार्जिन है, और दूसरा हमारा परचेज प्राइस भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटर को यहाँ पे ऑपरेटर की बात हो रही है हमें ना, जो हमने टाइप ऑपरेटर सेलेक्ट किया हुआ है उनको यहाँ पे परचेज प्राइस भी शो नहीं हो रही है आइटम ग्रिड में, और ना ही मार्जिन का परसेंटेज का पता चल रहा है कि कितना मार्जिन किस आइटम में आएगा। मार्जिन का ऑप्शन जबकि इनेबल है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने उस ऑप्शन को वहाँ से बंद किया हुआ है ना। हमने मेन एडमिन से, जो हमारे स्टोर एडमिन है, उससे हमने वो परचेज सेटिंग में जाके वो ऑप्शन बंद किया हुआ है, जिससे कि हमें यहाँ पे ना परचेज प्राइस दिख रही है और ना ही हमें मार्जिन का पता चल रहा है। यानी ऑपरेटर को यहाँ पे दोनों डिटेल्स, परचेज प्राइस भी नहीं पता चल रही परचेज स्क्रीन पे और मार्जिन का भी नहीं पता चल रहा है, तो वो दोनों चीज़ों की एंट्री नहीं कर सकते हैं, राइट। कोई भी बिल अगर वो एंटर करते हैं तो वो दोनों चीज़ों की एंट्री नहीं कर सकते हैं। हम वापस से इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे एडमिन के अंदर लॉग इन करके मेन एडमिन से। ये हमने लॉग इन कर लिया है एडमिन से वापस। अब हम वापस से सेटअप के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे मास्टर सेटअप, परचेज सेटिंग, परचेज सेटिंग में जाके हम इस ऑप्शन को अब इनेबल करते हैं। शो परचेज प्राइस एंड मार्जिन फॉर ऑपरेटर। हम चाहते हैं कि हमारे ऑपरेटर्स जो भी हैं उनको वो दिखे, परचेज प्राइस भी दिखे, वो डाल भी पाएँ और मार्जिन भी चेक कर पाएँ। हम इन डिटेल्स को सेव कर लेते हैं। ये हमारी डिटेल्स सेव हो गई हैं। अब हम एक बार से फिर से लॉग आउट करके अपने एडमिन 3 से लॉग इन करते हैं, जो ऑपरेटर है हमारे। हमने एडमिन 3 से लॉग इन कर लिया है। हम परचेज मैनेजमेंट ओपन कर लेते हैं पेज अपना। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास परचेज रेट का कॉलम भी आ गया है, जिसमें हम परचेज रेट एंटर कर सकते हैं, या ऑपरेटर जो है वो परचेज रेट एंटर कर सकते हैं इसमें। और हमारे पास यहाँ पे मार्जिन का कॉलम भी आ गया, यानी इसमें हम मार्जिन भी कोई आइटम की एंट्री करते टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने देखा कि हमें किस तरह से न्यू यूज़र क्रिएट करना है, न्यू ऑपरेटर्स क्रिएट करना है, राइट, और क्या क्या हम ऑप्शंस दे सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हम नहीं देना चाहते हैं वो नहीं दे सकते, राइट। तो इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली इसको कवर किया है।